दोनों जिलों के लोग हो गए भैया 75। अच्छा भाई देखिए, जब ज्यादा लोग होते हैं पंडित जी संकल्प करते ना, अरे भाई रुक जाओ एक मिनट रुक जाइए, पंडित जी संकल्प करते हैं और ज्यादा लोग बैठे होते हैं तो क्या कहते हैं, कहते हैं सब लोग अपना अपना नाम ले लीजिए, कहते कि नहीं कहते। तो हमारे सभी 75 जिलों के लोग देखिए, एक चीज आप संकल्प ले लीजिए, किसी को यह विश्वास नहीं, बस दो मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। 75 जिलों में सब लोग सुनना हमको जानते हैं और हम सुनाना भी जानते हैं। आपको एक संकल्प लेना पड़ेगा, अगर किसी को यह विश्वास नहीं था कि मानदेय मिल सकता है, क्या विश्वास था? मिला कि नहीं? अगर एक बार मिल सकता है तो दोबारा नहीं मिलेगा क्या? अगर मानदेय मिल सकता है तो समान कार्य का समान वेतन मिलेगा कि नहीं? अरे फिर समस्या क्या है भाई? अरे समस्या यहां पर है कि एक चाणक्य का अपमान 100, 200, 500 की सभा में घनानंद ने किया होगा। चाणक्य ने चोटी खोल दी थी और कहा था घनानंद हम ऐसे सम्राट का निर्माण करेंगे जो गुर्जरों का सम्मान कर सके। साथियों, इस योगी ने मोदी के इशारे पर, सभा में अपमान नहीं किया। साथियों, 100-200 के बीच अपमान नहीं किया, अरे 125 करोड़ पूरे हिंदुस्तान की जनता के सामने टीवी पर शिक्षकों का अपमान किया है। साथियों, एक का अपमान नहीं किया, 3.5 लाख शिक्षकों का अपमान किया है। या 3.5 लाख अगर एक चाणक्य नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना सकता है तो क्या यह हमारा शिक्षक ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नहीं बना सकता जो शिक्षकों का सम्मान करे, जो गुरु शिष्य की परंपरा का सम्मान करे? साथियों, गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था, नालंदा शिक्षा व्यवस्था कहां थी हिंदुस्तान में? विदेशों के लोग, जापान के लोग, चीन के लोग जब कपड़ा पहनना नहीं जानते थे तब हिंदुस्तान में वेदों और पुराणों की रचना हो गई थी, लेकिन इस राजनीति ने आज आपका नुकसान किया है। और जब जब राजनीति हावी हुई है, राजनीति ने अन्याय किया है, तब तब शिक्षक बढ़कर के आगे बढ़ के संघर्ष करके समाज का कल्याण करने का काम किया है। साथियों जागिए, ये हमारे अपने अधिकार की बात नहीं है। आज समाज गर्त में जा रहा है, जिस देश की शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ होती है वह देश उन्नति करता है, चाहे वो जापान हो चाहे चीन हो। आज शिक्षा व्यवस्था के कारण आगे चल रहे हैं, हमको शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करना है, इसके लिए शिक्षकों को, गुरुजनों को सम्मान दिलाना और समान कार्य का समान वेतन, ये हमारी पहली सीढ़ी है, तभी समाज सुधरेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। पुनः सभी मंच से लेकर और हमारे आगे जो बैठे सभी हमारे नेता, वो चौकीदार जो कहता होगा वो तो चोर है, लोग कहने लगे। और एक बात और बता देंगे, वो एक मिनट की बात है। साथियों, आम जनमानस में चर्चा है कि भाजपा तो गयो है, चर्चा कि नहीं है? है। अरे यार, पेड़ में आम पका हुआ लटका है, गिर जाएगा। जरा ईटा पत्थर आप भी चलाना शुरू कर दोगे, लोग कहेंगे आप ही ने गिरा दिया।
ईटा पत्थर चलाना शुरू कर दो और हम गिरा भी सकते हैं कैसे। अभी 0.25% और 0.75% 1% नहीं, 0.25 और 0.75% पर मध्य प्रदेश चला गया, राजस्थान चला गया, छत्तीसगढ़ चला गया। अरे हम तो 4% है, हम तो उत्तर प्रदेश के शिक्षक 4% है। कैसे 14 करोड़ वोटर उत्तर प्रदेश में 14 करोड़ वोटर है और 3.5 लाख हमारा शिक्षक है 21,000 विद्यालयों में और 21,42,000 बाबू है और 61,63,000 चपरासी है। हमारी संख्या 4.5 लाख कर्मचारियों की है और इसके बाद में एक एक मैनेजर जोड़ लोगे तो पूरा 5 लाख और इनकी इतनी बीबियां या बहनों के पति जोड़ लोगे तो 10 लाख और दोनों से एक वयस्क बच्चा जोड़ लोगे तो 15 लाख और माँ बाप में से एक ही जोड़ लो 20 लाख और एक आध भाई अगर जोड़ लोगे तो 25 लाख। हर किसी से कुछ मत कहना, केवल 25 लाख और 14 करोड़ का 25 लाख का परसेंट हुआ, ये हुआ 2.25%। अब 2.25% उमेश द्विवेदी से हटके जब संजय मिश्रा के पास आएगा तो हमारा इनका अंतर 3.5% हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से जब 2.25% हटकर और दूसरी तरफ जाएगा तो 3.5% हो जाएगा। अरे 0.25 में तो हवा नहीं लग रही, 0.75 में तो हवा नहीं लग रही। उत्तर प्रदेश में एक एक सांसद बगैर इन वित्त विहीन के पैरों में सर रखे जीतेगा नहीं। और सर रखने से बहुत दिन माफ किया, बहुत दिन क्षमा किया, अब भूखे भजन न हो गोपाला यहने वो अपनी कंठी माला। पहला वेतन फिर वोट और नोटा के चक्कर मत पड़ना, ये भाजपा वालों की साजिश है। नोटा भाजपा वालों की साजिश है कि तुम अगर हमको वोट नहीं दोगे तो नोटा में चले जाओ, किसी को नहीं मिलेगा। नोटा में मत देना, भारतीय जनता पार्टी को जो हराने का काम कर सकता हो उसको वोट दे देना। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ अगर कोई गलती हो गई हो, आज यहां पर जैसे हम तो आम शिक्षक हैं, वित्त विहीन के शिक्षक हैं, हम ये सिद्ध नहीं करना चाहते कि हम विधायक हैं, क्योंकि विधायक तो हमारे बरेली मुरादाबाद के उन लोगों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं जिन्होंने पहली घंटी बजने पर बरेली मुरादाबाद और लखनऊ से विधायक बनाकर सदन में आप पूरे उत्तर प्रदेश की आवाज उठाने के लिए भेज दिया। हम बरेली मुरादाबाद और लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। और साथियों एक साजिश का शिकार हम हो गए। इलाहाबाद झांसी में 18,000 वोट वित्त विहीन का बना और साथियों एडेड का वोट बना और एडेड के लोगों ने साजिश करके वित्त विहीन के नाम से 4-4 कैंडिडेट उतार दिए और इलाहाबाद से हमारे अशोक राठौर मात्र 214 वोट से हार गए। 13% वाले चुनाव जीत गए, 87% वाले हार गए। ये साजिश हो गई, इस साजिश को 2020 पे याद रखना, साजिश मत होने देना। महासभा के 20 से 11 के 11 कैंडिडेट जिताकर सदन भेज देना, आपको सड़क पर आने की आवश्यकता नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।